सलाम चाचा जी, ऊंट देखना। ईदू हमको चंपू बोला, दिमाग उसका पुआटियां खा जाएगा। क्या तो इस मोहल्ले में हो रहेगा, क्या मिलेगा? बलोच ने ऊंट ला के मेरी नक जमीन से लगा दी है। अरे सबको इसका दांत का फिक्र है, दो दांत का होगा। हाँ दो दांत का है, बोले तो मस्जिद से ऐलान करा दे। तुझे कैसे पता कि मैं घर पर अकेली हूँ? अपनी जिंदगी में आपकी मोहब्बत का उजाला चाहता हूँ। अब उसको दामाद बनाएगा जो हमारा रिकॉर्ड देखता है। मैंने क्रीम का ब्याह करना पुआण की थी। तुझे नहीं पसंद? इतना बड़ा दाना तो पहली बार। आप क्या हुआ, उसने जानवर का दांत पूछा ना, तुम्हारा दांत तो नहीं पूछा। अरे ग्रिंगो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। दो दांत की मोहब्बत, ये एक स्पेशल ईद प्ले है जिसे आप देखेंगे अपने फेवरेट चैनल हम टीवी पर। ईद के दूसरे दिन है और 6:50 मतलब क्या है दो दांत की मोहब्बत? ये कुछ बकरों का जिक्र है। क्या लगता है आपको, इस कैसा महसूस होता है दो दांत की मोहब्बत? क्या हो सकता है किसी के दो दांत हो या बकरे के दो? पहली मोहब्बत का जिक्र नहीं है, कुछ ऐसा ही। क्योंकि वो कह रहे होते किसी गाय या बकरे को, कह रहे थे कुछ दो दांत चाहिए और मस्जिद ने ऐलान कुछ ऐसा ही है। समझ गया सारे यार, अब तो प्ले देखनी जरूरत है। बहुत इंटरेस्टिंग प्ले, आप जरूर देखिएगा। हमारे पास यहाँ पर मौजूद है अलिश्पा और सायरा और इनकी एग्जीबिशन चल रही है। हम यही पूछना चाह रहे थे कि किस किस्म के कपड़े हैं, क्योंकि ईद के हवाले से बनाए हैं तो थोड़े फॉर्मल हैं। दे नॉट ऑल वेरी फॉर्मल, बहुत फॉर्मल हमने कुछ नहीं बनाया। देर कैजुअली भी आप उनको पहन सकते हैं, फॉर्मली भी पहन सकते हैं, यू कैन यू नो। बट जिन पे ज्यादा जो काम है, यू विल फाइंड मोर हैंडवर्क, कामदानीज एंड कश्मीरी वर्क एंड अफगानी वर्क, यू विल फाइंड मोर ऑफ दैट। रेंज क्या रखी है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम 4,500, इट गोज अप बिकॉज यू नो इट्स वेरी बहुत फिनिशिंग वाला, बहुत सफाई वाला काम है। सो दैट्स व्हाई वी कुडंट कीप इट लोअर देन दैट। लेकिन अगर अच्छी चीज आप लेना चाहें, फैब्रिक भी प्योर हो, काम भी अच्छा हो, तो यू हैव टू स्टिचिंग एंड एवरीथिंग। एग्जैक्टली। सो कल पहला दिन था। अच्छा, हाउ वाज़ द रिस्पांस? इट वाज़ वेरी गुड माशाल्लाह, फॉर द फर्स्ट डे वाज़ वेरी गुड। नाउ टुडे, कल जल्दी थोड़ा क्लोज कर लिया था बिकॉज इट वाज़ अ वीक डे। आज बिकॉज वीकेंड है तो 12 बजे रात तक खुला होगा। अच्छा। कल भी, सो वी विल ऑल बी देयर अगेन टुडे। सो तीनों बहनें होंगी? हाँ तीनों, या फिर एक गायब होगी? नहीं नहीं तीनों की पिक्चर्स लगेंगे आप अपने बाहर। इस दफा हम तीनों ने मॉडलिंग की। लड़कों के लिए कुछ नहीं रखा आपने? रखा, वी ऑल्सो मेड मैन कुर्ता। चक्कर लगाना चाहिए। अच्छा, मैं ये सोच रही थी तीनों बहनों में खामोश कौन है, घर में कौन ज्यादा खामोश है और कौन ज्यादा बोलता है? कोई, ये मुझे लगता है घर में ज्यादा बोलती होगी। उठक पटक, कोई खामोश नहीं। कोई खामोश नहीं है मतलब कि क्या तीनों साथ बोलते रहते हो? तीनों साथ कौन है फिर, अगर बोलने वाले ज्यादा है तो? नहीं, कोई ना कोई निकल आता है। अच्छा, मुझे पता है किसी का मीडिया से ताल्लुक था पहले, अचानक से तीनों बहनें जो है वो टेक ओवर कर लिया ना, एक कूप हो गया, मुशर्रफ साहब बन गए सारे। मुझे 10 साल पहले आई गॉट एन ऑफर फॉर एन एड थ्रू इंटरफ्लो एंड आई वॉज नॉट श्योर कि यू नो परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। और सब क्योंकि उस वक्त थोड़ा हमारी सोसाइटी थोड़ी क्लोज्ड अप थी इन टर्म्स ऑफ टेलीविजन एंड उस वक्त इतने अच्छे लोग भी नहीं थे, यू नो, बिकॉज ऑफ दैट। तो वो कहते थे कि यू नो इट्स नॉट गुड थिंग, मीडिया से दूर ही रहते थे। हाँ, तो बट बहुत कोशिश की और परमिशन मिल गई उस एक एड की, और उसके बाद फिर मांगी थी पहले बाबा से। और कैसे मांगी? नो, डिड यू कन्विंस मम्मी जान? No, she got no later. Mummy Jan to got Dadi, call her Mummy Jan. She's passed away though. तो वो बहुत conservative थी ना, वो कहती थी कि कैसे ये वो। तो फिर जब उन्होंने ad देखा उनको पता चला तो वो घबरा गई, उन्होंने कहा does your father know? मैंने कहा she knows, she's given me the permission. तो then बस वो एक ad शुरू हुआ वहाँ से सिलसिला। हाँ, और फिर एक गाना था which was Haroon's video sponsored by Pepsi, did that and then that was it. You know, उसके बाद ये सोचा भी नहीं कि करना है या नहीं करना। फिर अच्छा लगा? नहीं, बहुत अच्छा था। आई हैड अ लॉट ऑफ फन बिकॉज आई वॉज यंग एंड नेवर थॉट ऑफ कमिंग इन टेलीविजन। वो मेरा वो नहीं था, आई हैड डिफरेंट प्लान्स, आई वांटेड टू बी समथिंग एल्स। एवरी ईयर आई वांटेड टू बी समथिंग डिफरेंट। डिजाइनर बनना था? अब वो जब बहुत छोटी थी तो वो बनना था, पता नहीं। कॉलर भी हमारे साथ कॉलर लेते हैं और उसके बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मां। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक ठाक। हमारे पास अलिश्बा हैं, सारा हैं, क्या बात करना चाहेंगे इनसे?
अलिश्पा आप बहुत अच्छा एक्ट करती हो. थैंक यू. काफी अरसे के बाद मैं समझती हूँ कि कोई नया फेस नजर आ रहा है और वो बहुत अच्छा काम भी कर रहा है. थैंक यू सो मच. और उनके बाद आपके लिए मैं आपको कहूंगी कि आपका वो जो ड्रामा है आप मुझे बताओ ये एक्ट निकालते कहाँ से हो यार. मैं पता जेब से निकाल रहा हूं. आपने किया मैं चांसी. बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर है आपका. बस ये अल्लाह की तरफ से आमद होती है, पता है, अचानक से ये बस हो जाता है. इसमें कुछ नहीं है, माँ की दुआ है. आपका प्यार है. आप लोगों का प्यार यार, आप लोग पसंद करते हैं, हम लोग सिर्फ कोशिश करते हैं. वरना फिर अक्सर ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग कुछ ट्राई करते हैं लेकिन फिर भी नहीं हो पाता. मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मैं कुछ भी ट्राई करता हूँ वो पसंद आ जाता है लोगों को. ये एक वाकई ब्लेसिंग है, आप लोगों की मोहब्बत है. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. सायरा से क्या बात करना चाहेंगे? सायरा अच्छी है. मेरा नसीब की जो मतलब इन्होंने नसीब बर्बाद कर दिया. अच्छा उससे पीछे मुझे पता है रेटिंग के मामले में, मुझे मेरे नसीब के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है. हाँ मैं अपने नसीब के बारे में. आपने अगर देखा नहीं है मैं आपको बताता हूँ, सीडी बैंक जो है वो आपको डीवीडीज मिलेगी रेनबो सेंटर में. और मेरा नसीब अगर आपने नहीं देखा प्लीज डू वॉच इट. हम टीवी का मेरे ख्याल से इवन पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट प्लेज. और बहुत ही अच्छा काम था स्पेशली सायरा का. उसमें इमरान असलम भी थे, उसमें अदील भी था और बाकी सारे हमारे प्रोज जो थे वो तो थे ही. बुशरा आ पाती, समीना आ पाती, इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग शगुफ्ता भी थी और रुबीना अशरफ भी थी, साजिद साहब थे, इमरान असलम था, इमरान अब्बास भी थे. तो माशाल्लाह बहुत अच्छा प्ले था, जरूर देखिएगा उसे. क्योंकि तो ये हम टीवी का था? जी ऑफ कोर्स हम टीवी का था. अभी रिसेंटली खत्म हुआ है और आई एम रियली सरप्राइज कि आपने नहीं देखा क्योंकि सारे पाकिस्तान ने, सारी दुनिया ने देखा. बट एनीवे थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. मेरा नसीब के बाद कैसे जिंदगी चेंज हुई सारा मुझे बताओ. डीजेइंग तो आप करते रहते हैं, वो एक अलग सर्किट है ना, अलग लोग हैं जो कि आपको जानते हैं, लेकिन जो मासेस के हवाले से जब बात करते हैं दैट इज ओनली ड्रामा से आपको वो रेकग्निशन मिल सकती है. ये मुझे एक्चुअली पता नहीं था पहले. पहले आप लोग पागल समझते थे ड्रामे वालों? नहीं, पहले आई थॉट कि हमारे ड्रामा इतने कोई देखते नहीं है. लेकिन आप बीइंग इन वन माई सेल्फ एंड देन जिस तरह आप लाइक नॉट जस्ट आपकी एज ग्रुप के लोग लाइक आंटीज भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, अंकल्स भी होते हैं एंड द वे दे अप्रिशिएट यू व्हेन दे सी यू एंड जिस तरह आपको लाइक दे हैव नाइस थिंग्स टू से अबाउट यू. तो अच्छा हमारे ड्रामे से ज्यादा वैसे ड्रामे ही देखे जाते हैं. हम अगर लोग देखते भी हैं दे रियली गिव रिस्पेक्ट you know to it's a respectable aapke they yeah. realize ki aap potential hai you know main itna mujhe lagta tha ki nahi log itna nahi samajhte honge that it takes a lot to pull off a different character. jaise main abhi kadar hu jo wo jo character tha it was completely different mera wala jo it was not like me at all. aur mujhe lag raha tha logo ko itna nahi pata chalega ki acting se matlab you have to really act lekin everyone you know it was amazed ki logo ko lagta hai ki ha aapko kafi मेहनत करनी पड़ती है, सारी चीजें आपको पता चलती हैं. अच्छा जी ब्रेक्स भी होती हैं तो हम सायरा से बोलेंगे कि वो ब्रेक्स ले. सारा ब्रेक मार के जरा ब्रेक मार के ऊपर मत बकना, जागो पाकिस्तान जागो नाम है बीजिंग स्टाइल में ना अपने. ठीक है जी. ऑलराइट एवरीवन, तो आप लोग अभी देख रहे हैं जागो पाकिस्तान जागो विद मी अलिश्बा फहद एंड किरण. वी विल बी बैक इन जस्ट अ मोमेंट, सो डोंट गो एनीवेयर. डोंट गो एनीवेयर.